तो आज हम इस वीडियो में करेंगे टॉप थर्टी एम सी क्यू ऑफ द रूट सिस्टम और ये टॉपिक लिया गया है प्लस वन बायो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर से और इस चैप्टर के बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सो so, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दी फाइब्रस रूट सिस्टम इज़ मोस्टली इन तो फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो आपका कौन से प्लांट्स में जो है वो पाया जाता है तो फाइबरस रूट सिस्टम आपका मोनोकॉट्स प्लांट में जो है वो पाया जाता है और डाइकॉट्स प्लांट्स में जो सिस्टम होता है दैट इज़ दी टैप रूट सिस्टम दोनों ही क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है डाइकॉट प्लाट्स में जो है वो टैप रूट सिस्टम और मोनोकॉट्स प्लांट्स में जो है वो आपका फाइबरस रूट सिस्टम जो है वो पाया जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइजोम विच ग्रो बर्टिकली अपबर्ड्स आर तो राइजोम्स आपके क्या होते हैं राइजोम्स क्या है एक टाइप की जो है वो प्लांट स्टेम है ठीक है वैसे तो ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं लेकिन कुछ राइजोम जो है वो बर्टिकली अपबर्ड भी ग्रो करते हैं और ऐसे राइजोम को रूट स्टॉक बोलते हैं ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से सही स्टेटमेंट बतानी है कि सही कौन सी है ऑर्चिड्स है पालमेट फ्लैशी रूट्स सही है ठीक है ऑर्चिड्स की जो रूट होती हैं वो ह्यूमन पाम की तरह होती है ठीक तो है पेंडेनस हैज स्टिल पेंडेनस में जो है वो, वो प्रेजेंट होती है एंड स्वीट पोटैटो हैज रूट ट्यूबर्स तो स्वीट स्वीट पटेटो जो है उसमें भी जो आपकी क्या होती है रूट ट्यूबर्स जो है प्रेजेंट होती हैं सो ऑप्शन डी है, so, है यहाँ पे करेक्ट ऑल ऑफ डीज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इन यंग रूट्स द रूट हेयर जोन इज लोकेटेड बिटवीन तो रूट हेयर जोन जो है वो आपकी कहाँ पर लोकेटेड है रूट हेयर जोन आपकी रीजन ऑफ मैचुरेशन एंड रीजन ऑफ इलोंगेशन के बीच का जो रीजन होता है ठीक है तो ऑप्शन सी जो अभी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मेच्योर सेल्स के बीच में क्या आएगी आपकी रूट हेयर जोन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम इनमें से कौन सी रूट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम को जो है वो कंटेन करती हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नोडुलेट्रेड रूट्स और पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है नोडुलेटेड रूट्स का ओके सो ऑप्शन बी जो है अभी यहाँ पे करेक्ट होगा एसिमिलेटरी रूट्स आपकी क्या होती हैं एसिमिलेटरी रूट्स वो रूट्स होंगी जो आपकी फोटोसिंथेसिस करेंगी ठीक है वेस्ट रूट्स में क्या होता है, है, है क्लोरोफिल जो है वो एबसेंट होता है दैट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं लेकिन कुछ रूट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं उनको हम बोलते हैं असेमिलेटरी रूट्स और नेपीफॉर्म रूट्स जो वो नेपीफॉर्म रूट्स बेसिकली जो है वो स्टोरेज रूट्स होती हैं ठीक है थीके? और नेपीफॉर्म रूट्स में क्या होता है कि जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो स्पोलन होता है राउंडेड होता है और एकदम से जो है वो ऊपर को जो है वो ये टेपर करती हैं ठीक है थीके? जैसे ऐसे तो जैसे आपका टर्निप का एग्जाम्पल हो गया आर दी रूट्स रूट्स और nodulose, nodulose आपकी क्या होती हैं नोडुलोज रूट्स वो रूट्स होंगी जो ऐसी रूट्स जो कि अपाइसिस पर आके जो है वो स्वेल होंगी ठीक है विच स्वेल अप एट दी अपेक्स रीजन ऐसी रूट्स को हम क्या बोलेंगे नोडुलोज रूट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट्स आर मोडिफाइड टू होस्टोरिया इन तो रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक प्लांट एक्ट एज अ होस्टोरिया और आपका एग्जाम्पल है इसका कस्क्यूटा अमरबेल जो होती है ठीक है तो ये जो है वो फ्लोइम तक जो है वो पेनीट्रेट कर जाती है ठीक है ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आता है कि जो अमरबेल है ये कस्क्यूटा जो है वो कहाँ तक जो है वो पेनिट्रेट करती है तो ये जो है वो फ्लोइम रीजन तक जो है वो पेनिट्रेट करती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पैरासिटिक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप इज तो टर्निप का जो एडिबल पार्ट है वो कौन से टाइप की जो है वो रूट्स होती हैं तो आपका जो रूट सिस्टम है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड टैप रूट सिस्टम तो दोनों ही रूट्स जो है वो एज अ स्टोरेज का काम भी करती हैं तो सबसे पहले हम टैप रूट टैप रूट्स का जो देख लेते हैं टैप रूट्स एज स्टोरेज तो ये जो है वो चार तरह की होती हैं ठीक है फर्स्ट वन इज द क्रॉनिकल सेकेंड वन इज द फ्यूजीफोम एंड थर्ड वन इज द नेपिफोम एंड द लास्ट वन इज द ट्यूबरस तो ये जो है वो टैब और सिस्टम जो है वो एज ए स्टोरेज का काम करती है तो उनको चार तरह में डिवाइड किया कॉनिकल यानी कि कॉन शेप की ठीक है जैसे कि आपकी कॉनिकल में आपकी क्या आ गई कैरेट फॉर एग्जाम्पल और सेकेंड है आपकी फ्यूजी फॉर्म फ्यूजी फॉर्म में क्या होता है कि जो लोअर और अपर एंड होगा वो क्या होगा टेपरिंग होगा और बीच से जो है वो ये स्पोलन होगी जैसे कि आपकी रेडिश और नेपिफॉर्म में क्या होगा कि जो इसकी जो शेप होती है वो राउंडेड होती है नीचे से जो है वो राउंडेड होगी और एकदम से जो है वो टेपरिंग होगी एंड में ठीक है जैसे आपका क्या हो गया टर्निप नेपिफॉर्म और ट्यूबरस रूट में जो होता है डेफिनेट कोई शेप नहीं होती है जैसा फॉर एग्जांपल आपका जो फोर ओ क्लॉक प्लांट है ठीक है तो उसमें जो है ट्यूबरस रूट जो है वो प्रेजेंट होती है तो यहाँ पर एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप इज दी मॉडिफाइड टैप रूट ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा द नेक्स्ट इज दी मॉडिफाइड स्टोरेज रूट्स ऑफ डेलियाज आर तो अब जो, जो है जो डेलिया की स्टोरेज रूट्स होती हैं ठीक है हमने पहले यहाँ पे टैप रूट सिस्टम एज ए स्टोरेज का पढ़ा अब हम रूट सिस्टम जो होता है रूट्स जो है, वो एज एडवेंटेश स्टोरेज तो वो कितनी टाइप की होती हैं तो फर्स्ट वन है आपकी ट्यूबरस रूट्स तो ट्यूबरस रूट्स में क्या होता है कि जो कुछ एडवेंटेशस रूट्स जो होती हैं वो फूड uh, को स्टोर करती हैं तो ठीक है उनको हम क्या बोलते हैं ट्यूबरस रूट्स और इसका जो आपका एग्जांपल है दैट इज़ दी स्वीट पोटैटो और सेकंड जो टाइप है आपकी वो है फेसिकुलेटेड रूट्स

वो है आपकी पालमेड ट्यूबरस रूट जो कि हमने अभी पढ़ी पीछे ऑर्चिड में ठीक है जो ह्यूमन पाम की तरह जो होती हैं एंड फोर्थ वन इज नोडुलोज तो नोडुलोज भी हमने पीछे डिस्कस करा कि जो रूट अपेक्स होगा सिर्फ वहां से जो है वो रूट क्या होगी स्वोलन होगी और फिफ्थ वन है आपकी मोनिलिफोम तो मोनेली फॉर्म में क्या होगा कि अल्टरनेट जो है वो स्वोलन होगी अल्टरनेट बे में जो है वो ये स्वोलन होगी ठीक है पहले स्वोलन फिर ऐसे फिर स्वोल तो अल्टरनेट बे में जो है रूट्स स्वोलन होगी ठीक है उसको हम बोलेंगे मोनेली फॉर्म रूट ठीक है ऐसे जैसे बिडड हो एंड द नेक्स्ट वन इज दी सिक्स्थ टाइप इज दी एनुलेटेड Annulated में क्या होगा ऐसे लगता है कि कोई डिस्क जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो रखी गई है ठीक है ऐसे तो ये हो जाएंगी आपकी क्वेश्चन मॉडिफाइड स्टोरेज डेलिया आर तो उसका आंसर क्या होगा फेसिकुलेटेड ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन तो जो जो हैं वो वो पाई जाती तो रूट्स अभी हमने पीछे पढ़ाई है ट्यूबरस रूट्स आपकी स्वीट पटेटो में जो है वो पाई जाती हैं तो, है, है. और स्वीट पटेटो का साइंटिफिक नेम क्या है आपका आइपोमिया बटाटा तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा द नेक्स्ट इज द बिच मोडिफिकेशन ऑफ रूट डज नोट स्टोर फूड तो कौन सी मोडिफिकेशन रूट की जो है फूड स्टोर नहीं करती है तो हमने दोनों ही रूट सिस्टम का जो है वो स्टोरेज uh, का देख लिया टैप रूट का भी और टैप रूट में जो स्टोरेज चार तरह की कॉनिकल फ्यूजीफॉर्म नेपीफॉर्म एंड ट्यूब्रस और आपकी जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं उसमें सात छह तरह की ट्यूबरस फैसिकुलेटेड पालमेट

तो आपकी जो प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट हैं ये दोनों आपकी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन है असम्बिलेटरी रूट्स भी आपकी जो है वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की ही मॉडिफिकेशन है ठीक है प्रॉप रूट का एग्जांपल क्या है आपका बरगद का पेड़ ठीक है बनियन ट्री और स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल क्या है आपका शुगर केन हो गई आपकी एंड मेज ये आपकी क्या है स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल है एसिमिलिटरी रूट्स वो रूट्स होती हैं ठीक है जो फोटोसिंथेसिस जो है वो करती हैं बची आपकी ऑप्शन सी निमेटोफोर्स तो निमेटोफोर्स आपकी कौन सी है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम ओके जो आपका टैप रूट सिस्टम है उसमें तीन ही तरह की मॉडिफिकेशन है फर्स्ट वन एज अ स्टोरेज जो हमने फोर टाइप की पढ़ ली ठीक है सेकंड वन है ये आपकी निमेटोफोर्स और थर्ड वन है आपकी जो है वो नोडुलेटेड uh, ठीक है जो नोडूल्स uh, फॉर्मेशन होती है आपकी दैट थर्ड फॉर्म द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी फोर्स अक्कर इन द्लांट्स ऑफ तो निमेटोफोर्स जो है वो कौन से प्लांट्स में होती है तो जो आपके स्लाइन एरिया में स्लाइन स्पैम्स में होते हैं ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा ठीक है हेलोफिटिक प्लांट्स जो होंगे तो आपके हेलोफिटिक प्लांट्स जो होंगे उनमें जो है वो निमेटोफोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ तो स्वीट पोटैटो अभी हमने पढ़ा तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की जो है वो ये एक मॉडिफिकेशन है

जो है वो अपनी यूटिलिटी जो है वो ये खो देती हैं और उसी को हम क्या बोल रहे हैं रूट पॉकेट्स ठीक है रूट पॉकेट्स क्या होती हैं आपकी नॉन फंक्शनल होती हैं नॉन फंक्शनल रूट कैप इनको हम जो है वो रूट पॉकेट्स बोल सकते हैं तो रूट पॉकेट्स आपकी जो है वो किसमें प्रेजेंट होती हैं ओपंशीय है तो आपका जो है वो जीरो फिटिक प्लांट है तो इसमें तो रूट पॉकेट्स जो है वो प्रेजेंट हो ही नहीं सकती बनयान में भी नहीं हो सकती तो रूट पॉकेट जो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है अकोनिया में जो है वो आपकी रूट पॉकेट प्रेजेंट होती है और इसके साथ साथ जो है वो दो एग्जाम्पल और भी हैं जिनमें जो है, वो root pockets present होती है आपकी फर्स्ट वन इज दयाड थर्ड वन इज दिस्टिया तो इसमें जो है वो आपकी रूट पॉकेट्स जो है वो प्रेजेंट होती है द नेक्स्ट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एपिफिटिक प्लाट्स इज तो आपके जो एपिफिटिक प्लाट्स हैं ठीक है एपिफिटिक रूट्स आपकी किस में प्रेजेंट होती हैं ऑर्चिड में जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है वो एपिफिटिकली जो है वो ये ग्रो करते हैं ठीक है और इनकी जो रूट्स होती हैं वो फ्रीली हैंग करती हैं एयर में टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ठीक है इनकी जो रूट्स होती हैं एपिफिटिक प्लांट्स की वो क्या करती हैंग करती हैं फ्रीली हैंग इन एयर फ्रीली फ्रीली हैंग इन एयर किस लिए टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर कहा से मॉइस्चर एयर से जो है वो मॉइस्चर को क्या करती है ये एब्जॉर्ब करती हैं थ्रू ए स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेलामन बेलामन तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट इज दार्ट इन अभी हमने डिस्कस करेक्ट क्वेश्चन रूट हेयर में क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती है तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॉटर इज एब्सॉर्ब बाय तो रूट हेयर जो है वो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द नेक्स्ट इज दी रूट्स आर फीबली डिवेल्पड बाई मतलब जिसमें जो है वो रूट्स जो है वो बहुत कम जो है वो डिवेल्प होती हैं ऐसे कौन से प्लांट हैं तो वो हैं आपके हाइड्रोफाइट्स ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा द नेक्स्ट इज द कॉनिकल फ्लैशी रूट्स अकर्स इन कॉनिकल्स ठीक है टैप रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन है ये कॉनिकल रूट जो है वो तो किसमें होती है ये कॉनिकल आपकी कैरेट में ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि स्वीट पोटैटो में कौन सी थी ट्यूबरस एडवेंटेशियस रूट्स डेलिया में आपकी फेसिकुलेटेड रूट्स थी ठीक है और एफरेगस में जो है वो भी आपकी फेसिकुलेटेड रूट्स थी द नेक्स्ट इज द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट तो ये आपका टैप रूट सिस्टम बनाती हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी रूट हेयर अकर इन दी जोन ऑफ तो सेल ऑफ इलोंगेशन जो है वो इसका सही आंसर है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोडुलेटेड रूट इन तो नोडुलेटि रूट जो है वो आपकी किसमें होंगी ऑप्शन बी पी ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट कैप टेक पार्ट इन रूट कैप का जो है वो क्या फंक्शन होता है सो इट प्रोटेक्ट द रूट मैरिस्टम तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा द नेक्स्ट इज द रूट आर एब्सेंट इन रूट किसमें एबसेंट होती हैं

निमेटोफोर्स में क्या प्रेजेंट होता है द द नेक्स्ट इज इन मिराबिलिस जलापा में कैसी रूट्स होती हैं ट्यूबरस ऑप्शन ए जो फोर ओ क्लॉक प्लांट है मिराबिलिस जलापा ठीक है जो हमने टैप रूट सिस्टम का पढ़ा ना फोर टाइप की स्टोरेज में काम आती हैं वो कॉनिकल हो गई फ्यूजीफॉर्म नेपीफॉर्म एंड फोर्थ जो थी आपकी ट्यूबरस ठीक है तो ट्यूबरस में एग्जाम्पल uh, क्या था उसका मिराबिलिस दी स्टिल्ट रूट ग्रो फ्रोम से grow करती हैं ठीक है Lower node से. Option A, जो है से जो वो यहां पे क्या होगा Correct होगा तो so, आपकी किसमें फाउंड होती हैं ऑप्शन सी पाइपर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट्स अकर इन तो एपिफिटिक रूट्स जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके औरचिड्स में जो है वो एपिफिटिक रूट्स जो है वो आपकी प्रेजेंट होती है तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग